नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। आज मंगलवार का दिन है। आज से ठीक एक हफ्ते पहले ऐसा ही एक मंगलवार था। जगह थी हाथरस का सिकंदरा राव। बड़ा सा मैदान था। मैदान में 2.5 लाख लोगों की भीड़ थी। चीख पुकार मच गई। देखते ही देखते सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉडमैन नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का सत्संग शमशान घाट में तब्दील हो गया। 121 लोगों की मौत हुई। और अब एक एक बार फिर से आज मंगलवार का दिन है। इतनी मौत देख लेने के बाद भी एक हफ्ते में भक्तों की आंखों से अंधविश्वास की पट्टी हट जानी चाहिए थी। असत्य और पाखंड का खेल खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन आपको ये आज की तस्वीर देखकर हैरानी होगी। आज बाबा के मैनपुरी आश्रम के बाहर भजन हो रहा है। भक्त हाथ जोड़कर खड़े हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं कि नारायण साकार हरि उन्हें दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं। वो मंगलवार का ही दिन था जब हाथरस में हुए सत्संग में 121 लोगों की मौत हुई थी। याद है ना वो तस्वीर आपको? नहीं याद है तो मैं फिर से आपको दिखाती हूँ। इस लाइन से एक बार फिर से आपकी कहानी मैं शुरू करती हूँ। आपको दो तस्वीरें दिखा रही हूँ। एक तस्वीर पिछले मंगलवार की है जब हाथरस हादसे के वक्त 121 लोगों की मौत हो गई। जबरदस्त भगदड़ मची। और दूसरी तस्वीर आज की, जब बाबा सूरजपाल के मैनपुरी आश्रम में भक्तों की सेहत पर जरा भी असर नहीं पड़ा। वो वैसे ही वहां पर हाथ जोड़कर खड़े हो गए जैसे उस दिन बीते मंगलवार को नारायण साकार हरि के सत्संग में खड़े हुए थे। आज नारायण साकार हरि कहाँ है, कहाँ अंतर ध्यान हो गए, कहाँ छिपे बैठे हैं नहीं पता। लेकिन भीड़ और इनकी भक्ति, इन पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा। आखिर बाबा ने इन भक्तों को ऐसी कौन सी घुट्टी पिला दी है कि सच सामने होने के बावजूद भी उन्हें दिखाई नहीं देता। हैंडपंप के पानी में ऐसा क्या घुला हुआ था कि सूरजपाल जाटव जीवनदाता बन गया। जी हाँ, जीवनदाता। और इस दर्दनाक हादसे के बाद भी लोग उसके पास, उसके आश्रम में खींचे चले आ रहे हैं। दरअसल सूरजपाल ने अपने भोले भाले भक्तों के दिमाग में ये फीड कर दिया है कि वो मरे हुओं को जिंदा कर सकता है, यानी कि वो जीवनदाता है। सोचिए, जो काम आज मॉडर्न साइंस के बस की बात नहीं है। जहां हर धर्म ये कहता है कि जिंदगी और मौत सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है, केवल ईश्वर के हाथ में है, वही जिंदगी देता है, वही जिंदगी लेता है। सूरजपाल ने अपने भक्तों के दिमाग में ये बैठा दिया है कि वो ही जीवनदाता है। कोई मर गया तो उसे वो दोबारा जिंदा कर सकता है। सरता फिरोजाबाद। क्या आपके जीवन में क्या बदलाव है? हम सर, जब हम सत्य के साथ में नहीं जुड़े थे, उससे पहले बहुत परेशान थे, बहुत परेशानियाँ थी। जैसे शारीरिक परेशानियाँ, शरीर द्वारा बीमारी लगी रहती थी। डॉक्टर के पास हमारी मृत्यु ही हो गई थी सर। मृत्यु होने के बाद जब हॉस्पिटल में ले गए थे तो हमारे जो तन के पति थे, उन्होंने, डॉक्टरों ने ये बोल दिया था ये तो दैद हो गई, इन्हें ले जाओ अपने घर पे। तो उनने जब नारायण हरि परमात्मा का उद्घोष किया, नारायण हरि का जयकारा लगाया, तो हमारी सांस वापस आ गई सर। हम आपके सामने खड़े। हुआ क्या था आपको? हुआ क्या? हम गिर गए थे, हमारा सिर दीवार में लग गया था। वो ये भी हो सकता, बेहोश हो गए? हाँ, नहीं बेहोश नहीं थे सर, डेड हो गई थी हमारी। अच्छा, हाँ दोबारा आ गया? हाँ, नारायण हरि की कृपा हुई। हम कौन से, किस किस डॉक्टर के पास गए थे? गांव के झोला छाप? नहीं, आगरा में एडमिट हुए थे सर हम। हाँ। झोला छाप के पास क्यों जाएंगे? आप आए अस्पताल से, डेथ सर्टिफिकेट है आपके पास? क्या अस्पताल ने तो डेथ सर्टिफिकेट दिया हो ना? सारे कागजात घर पे रखे हैं सर। ले आओ आप कागज। हाँ, घर पे रखे हैं, ले आएंगे। क्या नाम है आपका? सरिता। कहाँ से? फिरोजाबाद। सरिता है, फिरोजाबाद से है। दावा कर रही है कि मेरी मौत हो गई थी, बाबा ने मुझे दोबारा जिंदा कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाए और खुद खड़े होकर ये कहने लगे कि मुझे तो बाबा ने जिंदा कर दिया है? सूरजपाल ने अपने भक्तों के दिमाग में दरअसल ये बैठा दिया है कि वो ही परमात्मा है, यानी वो कुछ भी कर सकता है। वो डायलॉग याद है ना, अपुनिच भगवान है। तो वो यही बताने की कोशिश कर रहा, मैं ही भगवान हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही जीवन देता हूं, मैं ही जीवन ले भी सकता हूं। वो बोलता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, हर जगह जाता है। जहां जो उसे पुकारता है वो वहां पहुंच जाता है। आज तो भक्तों की इतनी भीड़ लगी हुई है, नारायण हरि सरकार साहब कहां छिपे हुए हैं? आप सामने आ जाइए। मुझे मंदिर भी जाने का मौका मिलता है, मंदिरों में भी मैं जाता हूं,
गुरुद्वारे में भी जाता हूँ, गिरजाघर में भी जाता हूँ, मस्जिद में भी जाता हूँ। जहाँ जो पुकारता है मैं वहीं पहुंच जाता हूँ, और नहीं पुकारता है तो मेरे जाने का मतलब ही नहीं। खेत में पुकारने वाला खेत में पुकारता है तो हम तो खेत में भी पहुंच जाते हैं। कोठी में पुकारने वाला साकार हरि को कोठी में पुकारता है तो कोठी में भी पहुंच जाते हैं। आज तो मैनपुरी आश्रम के बाहर भक्तों की इतनी भीड़ लगी हुई है, हर कोई पुकार रहा है क्यों नहीं बाहर आते बाबा। उस दिन 121 लोगों की जब जान चली गई, एक के ऊपर एक लोग दब गए, कुचल गए। छोटे बच्चे शामिल थे, महिलाएं शामिल थी, पुरुष शामिल थे, उन्होंने भी तो पुकारा था बाबा को, बाबा कहाँ थे। सूरज पाल ने लोगों को अपने माया जाल में दरअसल फंसा लिया है। उनके पाखंड की एक एक कहानी आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आज भी ऐसे कई लोग हैं जो इनकी बातों पर विश्वास करते हैं। बाबा के भक्तों को ये लगता है कि उनके पास दिव्य दृष्टि है। भक्तों को ये लगता है कि इसी दिव्य दृष्टि से उनकी तरह तरह की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसी दिव्य दृष्टि में ये ताकत है कि वो मरे हुए लोगों को जिंदा भी कर देते हैं। हालांकि बाबा अपने तथाकथित चमत्कारों का कोई रिकॉर्ड नहीं करने देते, एक प्रूफ आपको ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन लोग बोलते हैं कि वो चमत्कारी हैं। सत्संग कार्यक्रम के दौरान ना कैमरा ले जाना अलाउड है, ना मोबाइल ले जाना अलाउड है, दोनों पूरी तरीके से बैन है। लेकिन आज जब बाबा पर सवाल उठ रहे हैं तो उनके भक्त सामने आते हैं और उनके कारनामों को सही चेहरा रहे हैं। मैं नहीं जानते थे कि क्या सत्य का साथ होता है, क्या सत्य होता है। जब मैं आत्मा मेरे पास इतनी खेलती थी और मैं निरे भगत निरे डॉक्टरों के पास गए, मैं कभी सही नहीं हुए। भूत दिखते थे आपको? भूत दिखते थे मुझे। तो जब मैं मुझे बताया भोले बाबा कहते थे, तो मैंने इनको परमात्मा मान करके इनके चरणों में आए, तो मैंने इनका जो जो जाप किया जाता वो किया, और करने से बाद में के मेरे भूत भी हमसे दूर हो गए। उसके बाद में हमारा एक कैंसिल फोरा बताया था, मैंने इंट्रासाउंड कराया, डॉक्टर ने कहा कि आपके कैंसिल, मैंने घर में किसी को नहीं बताया, साथ वाले को भी नहीं बताया। मेरे प्राण निकल गए, और निकलने के बाद मेरे बच्चे निकल गए, मतलब निकल गए, मैं तन से मैं मर गई बिल्कुल, मेरे घर वाले बच्चा वगैरह इतने पढ़े लिखे माइक लगाए बच्चे भी हम भी जानते ना प्राण निकल गए, मेरे बच्चे भी रोने लगे, सब घर मेरा रो रहा। रोने के बाद में मैंने क्या देखा कि हम जाकर के परमात्मा की छवि रखी थी, उसी में इसी तरीका से परमात्मा बैठे हुए थे, और उन्होंने जब मेरे बच्चे रोने लगे तो मुझे तो पता नहीं, पर उसमें बैठे देख रही मेरी आत्मा देख रही बैठी, और आकर के उन्होंने ऐसा धक्का मारा मेरे शरीर में, फिर मेरी जान आ गई। जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो मैंने, तुम क्यों रो रहे हो, तो कहने लगे तुम मर गई थी। तो मेरे फोड़ा ये फूटने के बाद में ममाद बन करके हमारे शरीर से निकल गया और मैं ठीक हो गई, ठीक हो गई। मैं आज से 19-20 साल हो गई हूँ, और मेरे इन परमात्मा ने हर काम बनाए हैं, हर काम बनाए। आपने बाबा के भक्त की बात सुनी, बाबा ने अपने भक्तों को समझा दिया कि वो जो बोलते हैं वही सत्य होता है, वही सच है। महाभारत के आदि पर्व में एक श्लोक है, नास्ति सत्य समो धर्मो न सत्याद्वितीयते परम न ही तीव्र तरम किंचित दृढ़ता दिहि विद्यते। इसका मतलब यह है कि ना सत्य के समान कोई धर्म होता है, ना ही सत्य से बड़ा कुछ होता है, असत्य से बढ़कर पाप भी कोई नहीं है। लेकिन अंध भक्ति ऐसी है कि आंखों के सामने आ रहा भी सच देखने के लिए लोग तैयार नहीं है। ये महिला कह रही थी ना कि वो सत्य के साथ की बात करती है, लेकिन सत्य से ही वो कोसों दूर है। अगर बाबा परमात्मा होते तो क्या वो हाथरस में नहीं मौजूद होते? क्या वो 121 लोग आज जीवित नहीं होते? तो क्या वही चाहते थे कि ये प्रलय आ जाए और लोग मारे जाएं? ये बड़ा सवाल है, आप खुद से पूछिए। बाबा हर मंगलवार को एक रंगीन चश्मा पहनकर प्रवचन देता है। बाबा के चश्मे अलग अलग रंग के होते थे। बाबा नारायण साकार हरि के भक्तों को उसका चश्मा भी चमत्कारी लगता है। आप सोचिए, कोई गुची का चश्मा लगा ले, कोई राडो का चश्मा लगा ले, या कोई आम चश्मा रंगीन चश्मा उठा के लगा ले, कोई चश्मा चमत्कारी हो सकता है, लेकिन भक्तों को लगता है कि बाबा का चश्मा भी चमत्कारी है। बाबा के भक्त कहते हैं कि बाबा अपनी आंखों से जब ये चश्मा उतारते थे तो उनकी दिव्य दृष्टि से लोग ठीक हो जाते थे। बाबा के अलग अलग चश्मों की अलग अलग कहानी है। नीले रंग के चश्मे से वो बीमार लोगों को दिव्य दृष्टि डालकर ठीक करने का दावा करता था। वहीं अगर भूरे रंग का यानी ब्राउन कलर का चश्मा लगा ले या काला चश्मा लगा ले तो जिनके जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा होता था तो उन्हें
शांति देने के लिए बाबा ये चश्मा लगा लेते थे। मैं दिल्ली से हूँ, नाम राखी है। क्या हुआ सर? मुझे पैरालिसिस हो गया था, डॉक्टर ने आजीवन के लिए कह दिया था तुम व्हील चेयर पे रहोगे, कभी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते। जब से नारायण सागर हरि परमात्मा के चरणों में आई जाई हूँ तब से मेरे पैरों पे जान आ गई है और मैं अपने चलने फिरने लगी हूँ। कितने सालों से आ रहे? जी 10-12 सालों से। तो ये लोगों के अनुभव है जो कह रहे हैं कि नारायण साई के संपर्क में आने से इनके जीवन में बदलाव हुआ, जिसको लेकर उसको भगवान कह रहे हैं और हम अगर उसे बाबा कहते हैं तो इस बात पर भी इन्हें आपत्ति है। पांव की धूल, नजर का चश्मा, चश्मे का रंग, रंग से होने वाले इलाज और आंखों में चमत्कार, गजब गजब कहानियां हैं। भक्तों को क्या क्या लगता है वो आपको बताती हूँ। भक्तों को लगता है कि बाबा नारायण साकार हरि की आंखों में कुछ है। आंखों में क्या है जरा सोचिए। कुछ लोगों को ये लगता है कि बाबा अपनी आंखों में उल्लू का काजल लगाता है और उसी में शक्ति आती है और इसकी वजह से सत्संग में आए हुए सभी लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, खींचे चले आते हैं। आपने अगर हिप्नोटिज्म के बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा या कभी किसी काबिल व्यक्ति को आपने पढ़ा होगा तो हिप्नोटिज्म की बात की जाती है, हिप्नोटाइज भी किया जाता है, ये भी एक आर्ट होती है, लेकिन उसमें उल्लू के काजल की बात तो कहीं भी नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं कि बाबा उनकी परेशानियों को अपनी शक्तियों से दूर कर देते हैं क्योंकि वो उल्लू का काजल लगाते हैं। हमारा नाम है। अच्छा, क्या फायदा? हम 1 लाख रुपए देंगे आपको। मैं बोलूं चुप हो आप। जब हमें सिर्फ शरीर के हमें सिर्फ फायदे हुए यहाँ से आने से, यहाँ से जुड़ने से। क्या दिक्कत थी? हमारा बच्चा परेशान रहता था है तो वो भी सही हो गया है और हम भी परेशान रहते वो भी हम सही है गई। परेशान मतलब? अरे जय तकलीफ है, जय आती रहती परेशानी, जय घर कलेश, जय परेशानी आती रहती। अब आप भी एक उल्लू ढूंढना शुरू कर दीजिए और उसकी आंखों का काजल अपनी आंखों में लगा लीजिए, हो सकता है आपकी भी तरक्की के द्वार खुल जाएं। खैर, ये अंधविश्वास है। बाबा ने इन लोगों का इस तरह से ब्रेन वॉश किया है कि ये लोग उसे भगवान मानने लगे। जरा सोचिए, जो सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण धारण करते हैं, भगवान विष्णु धारण करते हैं, सूरजपाल ये दावा करता है कि वो सुदर्शन चक्र उसके पास भी है। सूरजपाल सुदर्शन चक्र घुमाकर पाखंडियों के नाश करने का दावा करता है। बाबा अपने भक्तों के सामने फर्जी चक्र दिखाकर कहता है कि वो तो प्रलय ला देगा। बाबा कहता है कि अधर्म का विनाश कर देगा। बाबा भक्तों को कहता है कि उसके सपने में महादेव आते थे, महादेव ने उन्हें इस दुनिया से अधर्म को खत्म करने के लिए कहा है। क्या मान्यता है बाबा को लेके, क्या मानते हैं आप? हम बाबा को परमात्मा मानते हैं, विष्णु भगवान। विष्णु भगवान का रूप देखा मैंने, तो दर्शन चक्र देखा उनकी। कब देखा आपने, क्या देखा पूरा बताइए। शुरू बात में पहले झोपड़ी पड़ी थी यहाँ पर, तब कुछ नहीं था। पहले पहले जब शुरू बात में प्रभु आए, विष्णु भगवान के रूप में दर्शन दिए, उंगली पर सुदर्शन चक्र है, गरुड़ की सवारी है। अब मेरी इच्छा हुई, अब प्रभु को मैं तो परमात्मा इन्हीं को मानती हूँ। बाबा अपने भक्तों के मन में ये बैठा चुका है कि वो चमत्कारी है, सब कुछ वही है, यहाँ तक कि उसके पैरों की धूल भी। बाबा अपने पैरों की धूल से बीमारियों को खत्म करने का दावा करता है। यूपी, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड और कई राज्यों से लोग इसी धूल के लिए उसके सत्संग में आते हैं। 2 जुलाई को इसी धूल की वजह से हाथरस में इतना बड़ा हादसा हो गया। बाबा की चरण रज पाने के चक्कर में भगदड़ मच गई, हादसे में 121 लोगों की मौत हो गई। इतना कुछ घट गया, लेकिन आज भी बाबा के भक्तों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। भक्त ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस पूरी घटना में बाबा भी दोषी हैं, वो भी जिम्मेदार हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि मीडिया कुछ भी बोलते ऊपर नीचे, हमें मतलब नहीं उससे। हाँ। जो भी जैसा बनना बोल रहा है, जैसे कि प्रभु के रज धूर के लिए जो बोल रहे हैं मीडिया के, उसके लिए मरिए नहीं है, गलत है। अगर रज धूर, अगर प्रभु की चाहते कि मेरी रज धूर पैरों के नीचे चले जाए, भला हो जाए, तो ट्रक जे काना में पांडा नहीं लगाते, कनाते नहीं लगाते, ट्रक के ट्रक धूर मंगाते, बाप खड़े आके प्रवचन बोलते कि मेरे चरणों की धूर से भला हो रहा है, तो जा दूर है बटो ले आइयो, लेके जाइयो, ऐसा कुछ नहीं है, गलत है। सूरजपाल जाटव उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा, सोचिए शख्स ने पाखंड का कैसा माया जाल बुन रखा है। उस जाल में लाखों लोग फंसे हुए हैं। बाबा उन्हें चमत्कारी पानी पिलाने का दावा करते हैं। वो कहते हैं कि उसके पास एक ऐसा खास पानी है कि उससे सारी बीमारियां दूर हो जाएगी और भक्त उनकी इन बातों में आ भी जाते हैं।
बड़ी हैरानी होती है कि अस्पताल जाने के बजाय वो अपनी बीमारी ठीक कराने के लिए बाबा के हैंडपंप का पानी पीने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे न जाने कितने सारे टोटके हैं। तो हरि परमात्मा ने मुझे आवाज लगाई, मेरा नाम लिया और मुझे बोला था कि वंदना जी उठिए, मैं आपकी मिर्ची में आ गया। तो उसके बाद मैंने अपने पति को बोला, मैंने सुनो ऐसे से आवाज आई है। तो इन्होंने बोला कि आज तो भोले बाबा आ रहे हैं। तो मैं तो जानती नहीं हूँ। तो फिर मेरा मन ने कहा कि चलो मैं देखती हूँ जाके। अच्छा, मैं बेसिक में टीचर भी हूँ। तो फिर दूसरे दिन मैंने छुट्टी ली, अपने सीएल ली और मैं सबका साथ करने के लिए बाग में ग्राउंड में पहुंच गई। तो वहां मैंने सबका साथ किया। उसके बाद में जब फिर मैं शाम को सोई तब हरि परमात्मा फिर आए थे मेरे पास और फिर उन्होंने बोला था कि वंदना जी मैं आपकी मिर्ची से जा रहा हूँ। फिर मैंने उनको गाड़ी में बिठाया, उनको विदा किया है। उसके बाद मैं तन मन से जुड़ गई। कई बार ऐसा लगता है कि क्या लोग सपना देखते हैं, इस तरीके की बातें करते हैं, ये कैसा माया जाल है और पढ़े लिखे लोग इस माया में क्यों फंस रहे हैं, इस जाल में क्यों फंस रहे हैं। बताया उस महिला ने कि वो पेशे से एक टीचर है, पढ़ी लिखी महिला है, इसके बावजूद इस माया जाल में फंस गई। बाबा इस तरह के कई चमत्कारी दावे करता है जिसके चक्कर में भोले भाले लोग उसके जाल में फंसते हैं। बाबा के भक्तों को ये लगता है कि उसके कासगंज वाले हैंडपंप से भी चमत्कारी पानी निकलता है, हैंडपंप के पानी से रोगों का निवारण हो जाता है। तो अस्पतालों पर लगा दीजिए ताला, वैद्य पर जाने की भी जरूरत नहीं, किसी नीम हकीम की जरूरत नहीं, जाइए और हैंडपंप का पानी पी लीजिए। नीरव चमकार भैया बहन, हमारे पति तनके थे बीमार, 3 महीना चारपाई से नहीं उठे, लेकिन यहाँ आने से मैंने जल्दी पे आया, वो आए और वो ठीक हो गए। जल की क्या कहानी है, जो यहाँ का हैंडपंप का जल है? जल यही है, जब ये हैंडपंप सब है। जल से क्या होता है? जल से क्या होता है, अब आप पिए, आप उनका नाम लेके पिए, आपको इच्छा पूर्ण होगी, जो बीमारी है उसको दूर होगी। बाबा के भक्त उसके ऐसे कई तथा कथित चमत्कारों में फंस कर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, कभी हैंडपंप का पानी तो कभी चमत्कारी चाय के लिए भक्त घर परिवार छोड़कर दूर दूर से बाबा के पास चले आते हैं। सूरज पाल यूपी पुलिस में नौकरी करने वाला एक साधारण इंसान हुआ करता था। देखते ही देखते कासगंज के बहादुर नगर का सूरज पाल लोगों के लिए नारायण साकार हरि बाबा बन गया। महज कुछ सालों के अंदर सूरज पाल ने अपना करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। बाबा ने कैसे ये सफर तय किया और कैसे देखते ही देखते बाबा के लाखों भक्त बन गए, वो समझने की जरूरत है। सूरज पाल जो हरि नारायण बाबा है, आप उसे कैसे जानते हैं, कब से आपकी मुलाकात है, कितने साल काम किया उसके साथ? देखिए, मैं उनको बचपन में, मेरा उम्र खड़ी है, मैं सन 1966 से वो अच्छी तरह जानता हूँ। 1966 से 1966 कक्षा 6 पढ़ते थे, कक्षा 8 पढ़ते थे, तब से जानता हूँ। गांव के शख्स है, गांव के आदमी, गांव दूर तो है ना, वो गांव एक ही गांव समझ लीजिए आप। वो कोई आदमी के बात अलग है, तुम्हारा गाँव अलग है, अरे वहाँ मेरे खेत है, कहाँ मड़ैया खलिहान मेरे, वहाँ पर आधे बने हैं, तो तब से जानता हूँ उनको। बचपन से अगर आप जानते हैं तो फिर जब नौकरी साथ में, कब से आप लोगों ने साथ में नौकरी की, कहाँ कहाँ पे एक साथ रहे आप लोग? तो ये जेम कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट कोर्ट मोर थे, ये कोर्ट मोर होता है एक सरकारी वकील, वो मुंशी रहता है उनके यहाँ, और मैं रहा था पैरोकार बासोनी का, हरि पर्वत का, जगदीशपुरा का। तो दोनों जन मिलकर वहाँ बैठते थे, चाय पाय पीते थे। तो हमें उन्होंने कुछ नहीं बताया कि मैं साकार बिस्तर हूँ या भोलेनाथ हूँ या मैं भगवान शंकर हूँ कि मैं हनुमान हूँ कि मैं 40 हूँ, मुझे कुछ नहीं बताया उन्होंने। अच्छा, आपके साल इतने साल नौकरी की उन्होंने यूपी पुलिस में, उस दौरान किस तरीके का इनका बर्ताव था, क्या ऐसा कुछ लगा आपको कि इनमें कोई शक्ति है या भगवान है या सत्संग कराते हैं, इस तरह की कभी कोई बातचीत नौकरी के दौरान आपसे करी? हाँ, थे तो ये साधारण आदमी, वैसे ही जनसंपर्क तो बढ़िया था उनका, लेकिन ये शक्ति फक्ति कोई बात नहीं करते। मैं ये शक्ति है कि मैं भगवान विष्णु, कुछ नहीं था, ये हरि शंकर हूँ, कुछ जानता ही नहीं, कुछ नहीं बताते थे। यूपी पुलिस से जब वीआरएस लिया इसने, उस वक्त क्या हालात थे, कोई मुकदमा था इसके ऊपर रेप का या क्या था जब इसने रिटायरमेंट लिया? तब मुकदमा एक था शाहगंज में, शाहगंज में मुकदमा था, वो भी पुलिस ने, पुलिस के नाते से तब पुलिस को सुन लेती थी, अब तो नहीं सुनती है, तो वो सब FIR लगा दी उसमें, मुकदमा कैंसिल कर दिया था। मैंने जो आश्रम देखा वो कई बीगों में फैला हुआ है, एक जगह सेवादारों का
कमरे हैं, एक जगह रसोई है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, फिर एक महल है उसका, ये इतना बड़ा कैसे बन गया? क्योंकि आप तो साथ में उन्होंने आपने काम किया है, ये इतना पैसा कहाँ से आ गया, इतना बड़ा नाम कैसे हो गया इसका? अब कैसे आ गया, कैसे उन्होंने बनाया है ये तो पता नहीं मुझे। और उस हॉल में जो लग है उसमें ताला लगा तो खोल नहीं पाओगे, कोई तो खुलता ही ताला खुलता ही नहीं, वो लगाए वहाँ सेवादार दो लठधारी खड़े होंगे, लठ लाए पड़े पिंक कलर वाले। इस आश्रम में आपने अपनी आंखों से क्या देखा, कौन लोग आते हैं, क्या होता है? अब कौन को महत्व आश्रम में तो सभी प्रकार के आदि जाते थे सभी प्रकार के। वह इतना मैंने देखा, नाच मैंने खूब देखा वहाँ पर एक दिन। क्या नाच हो रहा, कौन नाचता है, क्या नाच होता है? लड़कियाँ नाचती थी, लड़कियाँ संगीत गीत गाती थी भाई, उनकी भजन गाती थी भाई। में इनकी पत्नी का क्या रोल है इनको? पत्नी का महारोल ये है भाई, औरतों को उल्टा सीधा समझाती है। कैसे समझाती जो बता दें आपको हम। अरे तुम बाबा के शरण में आइए, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, धन दौलत मिलेगी, हारी बीमारी तुम्हारी सब खत्म हो जाएगी, ये वो भाषा बताती थी वो। अब सोचिए अगर वाकई में धन दौलत मिल रही होती तो जितने भी भक्त हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनकी तस्वीरें इंडिया टीवी ने आपको दिखाई है, क्या एक का भी घर आपको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो धन दौलत से परिपूर्ण घर है, या लोगों के पास अतः पैसा आ गया क्योंकि वो बाबा सूरजपाल के भक्त बन गए हैं? ये पाखंड ही तो है, और इस पाखंड के चक्कर में 100 से ज्यादा परिवार अपनी जान गंवा चुके हैं। 2 जुलाई को हाथरस में ये भगदड़ कैसे मची और कौन कौन हाथरस भगदड़ कांड का जिम्मेदार है, पड़ताल के बाद हाथरस हादसे की जांच कर रही SIT ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। SIT की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। SIT ने हाथरस हादसे के लिए सत्संग के आयोजकों को जिम्मेदार पाया है। इसके साथ ही SIT ने हाथरस हादसे के पीछे किसी बड़ी साजिश से भी इनकार नहीं किया है और इसकी गहनता से जांच की जरूरत बताई है। SIT की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि 2 जुलाई को आयोजक मंडल के लोगों ने अव्यवस्था फैलाई थी। इसके साथ ही अधिकारियों और लोकल प्रशासन से भी भयंकर लापरवाही हुई। SIT ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पाया कि सत्संग वाली जगह पर क्राउड मैनेजमेंट के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। अधिकारियों ने बिना जगह का मुआयना किए कार्यक्रम के आयोजन की इजाजत दे दी थी। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का जिक्र कहीं नहीं किया गया है। हाथरस भगदड़ कांड की जो SIT रिपोर्ट CM योगी आदित्यनाथ को भेजी गई है, उस रिपोर्ट में क्या क्या बातें लिखी गई हैं वो आपको बता दें। इस हादसे के जिम्मेदार तो सत्संग के आयोजक मधुकर को पाया गया है। क्राउड मैनेजमेंट के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे जिसकी वजह से ये भयानक हादसा हुआ और इतनी मौतें हो गई। भोले बाबा की गलती का कोई फिक्र नहीं, और यही बात सबसे ज्यादा हैरान करती है कि आखिर ये नारायण हरि साकार का नाम इसमें क्यों नहीं है। सही इंतजाम होता तो मौत का आंकड़ा कम हो सकता था। ये बातें फिलहाल इस SIT की रिपोर्ट में इस तमाम जांच के बाद सामने आई हैं। फिलहाल भोले बाबा कहाँ हैं, क्यों उसका नाम नहीं है, क्या उसकी कोई गलती थी या नहीं थी, इससे जुड़ी हुई कोई भी बात SIT में शामिल नहीं की गई है। ADG आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ और कमिश्नर अलीगढ़ चित्रा की SIT रिपोर्ट में करीब 125 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, जिसमें सरकारी कर्मचारी और कई पीड़ित परिवार शामिल हैं। कई चश्मदीदों के बयान भी इसमें दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट बनाने से पहले इस बात की भी जांच की गई है कि सत्संग का आयोजन कराने वालों ने आयोजन की शर्तों को कितना निभाया। SIT ने अपनी ये रिपोर्ट 6 दिन में तैयार की है और ये रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पहुंचा दी गई है। SIT की रिपोर्ट के बाद योगी सरकार ने कुछ बड़े एक्शन लिए हैं। वो एक्शन क्या है आपको बता दें, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। गाज किस किस पर गिरी है आपको बता दें, SDM सिकंदरा राव सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसके अलावा CO सिकंदरा राव, थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज कचौरा, चौकी इंचार्ज जो सस्पेंड किए गए, तहसीलदार, ये वो अधिकारी हैं जिनके ऊपर गाज गिरी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। SIT की रिपोर्ट सामने आने के बाद SDM ने बिना मुआयना किए क्योंकि कार्यक्रम की अनुमति दे दी थी इसलिए उन पर कार्रवाई होनी जरूरी थी। अधिकारियों को प्रोग्राम को सीरियसली ना लेने की वजह से भी इतना बड़ा हादसा हुआ। आयोजकों ने तथ्यों को छिपा कर रखा, अगर उन्होंने छिपा कर रखा तो ये पुलिस की जिम्मेदारी थी कि वो वेरीफाई करते, लेकिन ये वेरिफिकेशन नहीं किया गया और इतना बड़ा हादसा हो गया। शर्तों का पालन ना होने की वजह से ये घटना घटी है। हम आपको बता दें कि SIT की 300 पन्नों की इस रिपोर्ट में 125 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, जिसमें सरकारी कर्मचारी, पीड़ित परिवार और चश्मदीदों के बयान भी लिए गए हैं। घटना से जुड़े हुए वीडियो और तस्वीरों को भी खंगाला गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर SIT के रिपोर्ट में बाबा सूरजपाल का जिक्र क्यों नहीं है।
क्या बाबा के प्रभाव की वजह से उसे क्लीन चिट देने की कोशिश हुई है? आइए एक एक करके वो तमाम सवाल आपके सामने रखते हैं, क्योंकि बाबा का असर उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में है। बाबा जाटव समुदाय से संबंध रखते हैं और इसलिए बाबा का प्रभाव उत्तर प्रदेश के 27 लोकसभा और 137 विधानसभा सीटों पर डायरेक्ट असर है। उत्तर प्रदेश में 21% दलित है। जाटव बिरादरी में सूरजपाल की मजबूत पैठ है और बाबा के भक्त भी पूरी तरह से अंधविश्वास में डूबे हुए हैं कि सूरजपाल ही उनकी ताकत है, सूरजपाल ही परमात्मा है, वही नारायण है, वही हरि है, वही भोले बाबा है। ऐसे में क्या ये कारण है कि बाबा की इतनी पैठ होने की वजह से, एक जाति से उनके बिलोंग करने की वजह से उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई या उनका नाम इस रिपोर्ट में नहीं शामिल किया गया? जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। कबीरदास ने लोगों को समझाया, कई साल पहले समझा दिया कि ईश्वर आपके मन में बसता है, ईश्वर वो है जो आपकी अंतरात्मा में है। ईश्वर इस तरीके से लोगों को पाखंड के जाल में नहीं फंसाता, बल्कि अपने बच्चों को जीवन तबाह कर, जो लोग अपने बच्चों का जीवन तबाह कर रहे हैं, खुद तबाह हो रहे हैं, आज उन्हें कबीरदास के इन दोहों को याद करने की आवश्यकता है, इसे दोहराने की आवश्यकता है। अभी तक हमने आपको कहानी अंधविश्वास की बताई राजधर्म में, लेकिन अब राजधर्म में दोस्ती के विश्वास की भी कहानी। नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच की दोस्ती, उनके बीच का विश्वास जो इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन जंग के बीच तीसरी बार देश की सत्ता संभालने के बाद नरेंद्र मोदी अपने रूसी दोस्त पुतिन से मिलने के लिए रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी 9 साल के बाद मॉस्को गए हैं, जिसके बाद मोदी की डिप्लोमेसी को लेकर दुनिया अचंभित है। मोदी और पुतिन की दोस्ती से अमेरिका टेंशन में आ गया है, लेकिन मोदी कहते हैं कि उन्हें चैलेंज को चैलेंज करना पसंद है। मतलब ये कि मोदी की डिप्लोमेसी में केवल एक बात है, इंडिया फर्स्ट। मोदी ने मॉस्को से अमेरिका और चीन को क्या मैसेज दिया? रूस को लेकर मोदी ने क्या कहा? मोदी के रशिया दौरे का मतलब क्या है? आज मैं आपको राजधर्म में बताऊंगी। आइए कुछ तस्वीरों के साथ शुरुआत करती हूँ। अमेरिका की टेंशन बढ़ी हुई है। अमेरिका भारत को यूनाइटेड नेशन चार्टर का पाठ पढ़ा रहा है। ये एक तस्वीर पहले आप देख लें और उसके बाद से अमेरिका की टेंशन क्यों बढ़ी हुई है वो भी आपको बताएंगे। भारत और रशिया की दोस्ती, टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर की बातें, जिस तरीके से इनोवेशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसी की एक वानगी इस वक्त आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। जब डिफेंस ट्रेड की बात आती है, जब इकोनॉमिक ट्रेड की बात आती है, तो भारत और रशिया एक दूसरे का साझेदार है। ये ताजा तस्वीरें जो मॉस्को से आई है, टेक्नोलॉजी और डिफेंस पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन को आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। सबमरीन इस तस्वीर में दिखाई दे रही है। इसका सीधा अर्थ ये है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है, इस विधा में क्या ट्रेड किया जा सकता है, बेशक इसी पर चर्चा हो रही होगी। लेकिन 6 तस्वीरें जो प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच की बॉन्डिंग को बताती है, ये 6 तस्वीरें मोदी और पुतिन के बीच की केमिस्ट्री को दिखाती है। ये बताती है कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ भारत का मिलना और ये साझेदारी कितनी इंपॉर्टेंट है। दरअसल मॉस्को में 22वां भारत रूस शिखर सम्मेलन हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। थोड़ी देर में बायलैटरल मीटिंग की भी तस्वीरें आने लगेगी, लेकिन उससे पहले जब मोदी मॉस्को पहुंचे तो उनके रशियन फ्रेंड ने बाहें फैलाकर उनका ग्रैंड वेलकम किया। यूक्रेन और रूस के बीच जंग चल रही है, अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है, इसलिए मोदी के रूस दौरे से अमेरिका विचलित है। मोदी एक्ट ऑफ बैलेंसिंग को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। भारत के लिए कौन कितना इम्पोर्टेंट है ये भी मोदी जानते हैं
और तभी तो नरेंद्र मोदी 9 जून को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जब शपथ लेते हैं तो 5 दिन के बाद ही G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए वो इटली के अपुलिया पहुंचते हैं, जहां वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करते हैं। तो वहीं 23 दिन के बाद रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचते हैं और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करते हैं, उनके साथ डिनर डिप्लोमेसी करते हैं। मतलब ये कि मोदी ने अपनी विदेश नीति से ये बता दिया है कि भारत के लिए केवल अमेरिका नहीं बल्कि रशिया भी जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून को इटली के अपुलिया में आयोजित G7 समिट में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से गले मिलते हुए दिखाई दिए थे। तो वहीं मॉस्को में ज़ेलेंस्की के दुश्मन नंबर 1 व्लादिमीर पुतिन से भी वो गले मिलते हैं। मोदी जितने गर्मजोशी से ज़ेलेंस्की से मिलते हैं उतनी ही गर्मजोशी कहिए या उससे ज्यादा आप कहिए, वो पुतिन और मोदी के रिश्तों में दिखाई देती है। मोदी और पुतिन की इसी केमिस्ट्री को देखकर ज़ेलेंस्की भी भड़के हुए हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने नरेंद्र मोदी के पुतिन से मिलने पर निशाना साध दिया है। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता को मॉस्को में दुनिया के सबसे खूनी अपराधी को गले लगाते हुए देखना एक बड़ी निराशा है। ये रशिया के आक्रमण के खिलाफ शांति प्रयासों के लिए एक विनाशकारी झटका है। देखिए, यूक्रेन की अपनी विदेश नीति है, उनके लिए ये तस्वीरें हो सकता है उनके दिल को दुखाने वाली हो, लेकिन ज़ेलेंस्की समेत यूक्रेन के समर्थक देश यही बात कह रहे हैं। एक तरफ रूस यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ मोदी पुतिन से जाकर गले मिल रहे हैं। यूरोपियन यूनियन को शायद ये बात गले नहीं उतर रही। मोदी के लिए लेकिन किसी चैलेंज से ये कम नहीं है कि वो इस बैलेंस को कैसे बना के रख पाते हैं। लेकिन मोदी कहते हैं कि चैलेंज को चुनौती देना उनके DNA में शामिल है। चैलेंज करने में भारत सबसे आगे रहेगा और मेरे तो DNA में है चुनौती को चुनौती देना। जब देशवासियों के साथ दूरी का अवकाश ही न हो, जो सोच लीडर के मन में चलती है वही सोच जब जन मन में होती है ना, तो अपार ऊर्जा जनरेट हो जाती है दोस्त। और यही मैं देख रहा हूं यहां पर। मोदी और पुतिन की दोस्ती से अमेरिका टेंशन में है। भारत और अमेरिका का भी दोस्त है और रूस से भी पक्की वाली दोस्ती है। अमेरिका और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर बहुत लंबे समय से, आप जानते हैं कि ये तनाव तो लंबे समय से चल रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का रशियन प्रेसिडेंट के साथ मेलजोल अमेरिका को रास नहीं आ रहा। अमेरिका यूक्रेन को लेकर भारत से सवाल पूछता है। अमेरिका कह रहा है कि जंग के समाधान के लिए बात क्यों नहीं हो रही है। साथ ही में ये भी पूछता है, क्या यूक्रेन समस्या का हल UN चार्टर के तहत नहीं है। अमेरिका ने कहा कि मॉस्को को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। हमने पीएम ओरबन की तरह पीएम मोदी को राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिलते देखा। हमने सोचा कि ये महत्वपूर्ण कदम है और हम भारत से आग्रह करेंगे, जैसा कि हम किसी भी देश से करते हैं जब वो रूस के साथ जुड़ता है। भारत ये स्पष्ट करे कि यूक्रेन में संघर्ष का कोई भी समाधान ऐसा होना चाहिए जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान करता हो, जो यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता, यूक्रेन की संप्रभुता का सम्मान करता हो। भारत एक रणनीतिक साझेदार है जिसके साथ हम पूर्ण और स्पष्ट बातचीत करते हैं और इसमें रूस के साथ संबंधों के बारे में हमारी चिंताएं भी शामिल हैं। अमेरिका ने सवाल उठाया तो मोदी ने जवाब भी दिया। मॉस्को से मोदी ने अमेरिका समेत पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को संदेश दिया। मोदी के रूस दौरे की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त मोदी रशिया में हैं उसी वक्त अमेरिका के वॉशिंगटन में नाटो की 75th वर्षगांठ मनाई जा रही है, जहां 32 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। ये सभी देश यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, लेकिन इस बीच मोदी मॉस्को में हैं, रूस के साथ अपनी दोस्ती निभा रहे हैं और अमेरिका को संदेश दे रहे हैं कि हर समस्या का समाधान तो बातचीत से ही निकलेगा। जब भारत पीस, डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात कहता है,
तो पूरी दुनिया सुनती है। जब भी दुनिया पर संकट आता है तो भारत सबसे पहले पहुंचने वाला देश बनता है, और भारत दुनिया की उम्मीदों को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लंबे समय तक दुनिया ने एक इन्फ्लुएंस ओरिएंटेड ग्लोबल ऑर्डर देखा है। आज की दुनिया को इन्फ्लुएंस की नहीं, कॉन्फ्लुएंस की जरूरत है। ये संदेश समागमों और संगमों को पूजने वाले भारत से बेहतर भला कौन समझ सकता है। प्रधानमंत्री रशिया की राजधानी मॉस्को में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां से साफ साफ संदेश दे दिया है कि 21वीं सदी भारत की ही सदी होगी। 2015 में जब मैं यहां आया था तब मैंने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। तब मैं कह रहा था, आज दुनिया कह रही है। दुनिया के सभी एक्सपर्ट्स, उनके बीच में इस विषय में अब कोई विवाद नहीं रहा है, सब कहते हैं 21वीं सदी भारत की सदी है। आज विश्व बंधु के रूप में भारत दुनिया को नया भरोसा दे रहा है। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी, जिसमें नए ट्रेड को लेकर समझौता हो सकता है। कनेक्टिविटी, डिफेंस सौदा, इसके अलावा स्पेस, तेल और नेचुरल गैस समेत कई मुद्दों पर बातचीत होगी। भारत ने कजान और येक्टेनबर्ग में कॉन्सुलेट खोलने का भी फैसला लिया है। मैं आपसे एक और गुड न्यूज भी शेयर करना चाहता हूं। आप सोचते होंगे कौन से गुड न्यूज आए। कजान और यूकातेरिनबुर्ग में दो नए कॉन्सुलेट खोलने का निर्णय लिया गया है। इससे आना जाना और व्यापार कारोबार और आसान होगा। मोदी और पुतिन की दोस्ती कितनी मजबूत है, इसका अंदाज आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पिछले 10 सालों में 6 बार रशिया के दौरे पर आए हैं और 17 बार पुतिन और मोदी की मुलाकात हुई है, यानी कि साल में करीब करीब 2 बार दोनों नेता मिले हैं। जब जब उनकी मुलाकात हुई है, लगातार ये मुलाकात सुर्खियां बटोरती आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री को दुनिया ने बड़े करीब से देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 6ठा रूसी दौरा है। भारत रूस की इसी दोस्ती के लिए मैं विशेष रूप से मेरे प्रिय मित्र प्रेसिडेंट पुतिन की लीडरशिप की सराहना करूंगा। उन्होंने दो दशक से ज्यादा समय तक इस पार्टनरशिप को मजबूती देने के लिए शानदार काम किया है। बीते 10 सालों में मैं 6ठी बार रशिया आया हूं, और इन सालों में हम एक दूसरे से 17 बार मिले हैं।
ये मोदी और पुतिन की दोस्ती का ही नतीजा है कि मोदी के कहने पर पुतिन ने रशियन आर्मी से उन भारतीयों को डिस्चार्ज कर दिया जिन्हें गुमराह करके भर्ती किया गया था। मतलब ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉस्को दौरे की पहली कामयाबी सामने आ चुकी है। रूस ने उन सभी भारतीयों को डिस्चार्ज करके घर भेजने का फैसला किया जो गुमराह होकर रशिया चले गए थे और वहां की आर्मी में काम कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले को रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने उठाया जिसके बाद रूस की सरकार का ये बड़ा फैसला आया। मतलब ये कि प्रधानमंत्री मोदी ही वो शख्स हैं जो डिनर की टेबल पर बैठने के बाद भी पुतिन से अपने लोगों को छोड़ने की बात कर सकते हैं और पुतिन ने भी उनकी बातों को सहर्ष स्वीकार किया। दरअसल कुछ महीने पहले रशिया में कई भारतीय लड़कों को गुमराह करके रशियन आर्मी में भर्ती किया गया था जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। आपने भी देखा होगा, आपके भी फोन तक पहुंचा होगा। कुछ लड़के रशियन आर्मी की ड्रेस में दिखाई दे रहे थे और इनमें से ज्यादातर लड़के पंजाब और हरियाणा के रहने वाले थे। इन्हें वहां पर धोखे में फंसा कर आर्मी में भर्ती कर दिया गया था और इन सभी को यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने की ट्रेनिंग दी गई जिसका वीडियो जारी कर युवकों ने मदद की गुहार लगाई थी। आज उनको इंसाफ मिला है, उनके वतन वापसी जल्द होगी। रशिया और भारत के बीच ट्रेड और स्पीड की बात कर लेते हैं। इस ट्रेड को स्पीड देने के लिए एक और कॉरिडोर बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसका ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, एक बार जरा बड़ी स्क्रीन पर इस मैप को ले जाते हैं। ये चेन्नई और अमेरिका के व्लादिवोस्तोक के बीच एक नया रूट तैयार किया जाएगा। अभी तक जो रूट है इससे पहले काम कर रहा था वो इस तरफ से रास्ते आ रहा था, यानी कि रशिया से ये अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए फिर वो मुंबई तक पहुंच रहा था। लेकिन अब जो ये नया रूट तैयार किया गया है जो मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ हांगकांग और साउथ कोरिया होते हुए रूस तक पहुंचेगा। एक बार ये पूरा रूट आप देखिए, चेन्नई श्रीलंका फिर मलेशिया को कनेक्ट करते हुए ऑस्ट्रेलिया को कनेक्ट करेगा। अभी तक रशिया सेंट्रल एशिया और यूरोप से ट्रेड करता था, चाबहार पोर्ट के जरिए ये ट्रेड किया जाता था, वहां से शिपमेंट मुंबई की तरफ पहुंचता था यानी कि भारत के पश्चिम तट पर पहुंचता था। ये देखिए इस तरफ। अब भारत को हमेशा ये टेंशन रहती थी क्योंकि ये पाकिस्तान की तरफ से होकर आता है और पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध किस प्रकार के हैं, टेंस हैं और उसका इस रूट पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन अब ये नया रूट भारत के लिए एक और रास्ता खोलेगा। हमारे संबंधों का एक प्रतीक अस्ट्राखान का इंडिया हाउस भी है। 17वीं शताब्दी में गुजरात के व्यापारी वहां बसे थे। जब मैं गुजरात का नया नया मुख्यमंत्री बना था तब मैं वहां गया था। 2 साल पहले नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से पहला कॉमर्शियल कंसाइनमेंट भी यहां पहुंचा। ये कॉरिडोर मुंबई और अस्ट्राखान की पोर्ट सिटी को आपस में जोड़ता है। अब हम चेन्नई व्लादिवास्तोक ईस्टर्न मैरिटाइम कॉरिडोर पर भी काम कर रहे हैं। हम दोनों देश गंगा वोल्गा डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशन से एक दूसरे को रीडिस्कवर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ अमेरिका को संदेश दिया साथ ही ये भी बताया कि भारत के लिए रशिया इतना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस का मतलब समझाया, सुख दुख का साथी, और कहा कि हमारा रिश्ता म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर टिका है। दशकों से भारत और रूस के बीच जो अनोखा रिश्ता है उसका कायल रहा हूं। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है, भारत के सुख दुख का साथी। भारत का भरोसेमंद दोस्त,
हमारे रशियन फ्रेंड्स इसे द्रुजवा कहते हैं और हम हिंदी में इसे दोस्ती कहते हैं। रूस में सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कितना ही माइनस में नीचे क्यों न चला जाए, भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है, गर्मजोशी बनी रही है। हमारे रिश्तों की दृढ़ता अनेक बार परखी गई है और हर बार हमारी दोस्ती बहुत मजबूत होकर के उभरी है।